अस्सलामुअलैकुम हाय फ्रेंड्स, आई एम असगरअली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल वाजवा। दोस्तों यहाँ पर हम पबजी टेस्ट करने वाले हैं वीवो Y53S का। पबजी टेस्ट करेंगे, साथ में बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे, देखेंगे परफॉर्मेंस में कैसा है और बैटरी कितनी ड्रेन करता है ये फ़ोन। यहाँ पर दोस्तों Y53S की पाकिस्तान में प्राइस यहाँ पर 41,000 रुपये, 8GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। उस हिसाब से देखेंगे परफॉर्मेंस। यहाँ पर आपको प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक हीलियो G80, तो ये आपको 20,000 की प्राइस में मिल रहा है। तो खैर यहाँ पर परफॉर्मेंस देखेंगे, 5000mAh की बैटरी आपको मिल जाती है, 33W की फास्ट चार्जिंग। परफॉर्मेंस का मामला देखेंगे कैसा है, IPS डिस्प्ले के साथ कैसा परफॉर्म करता है ये भी पता चल जाएगा। बैटरी इस वक्त रिमेनिंग है 34%, देखते हैं कितना परसेंट बैटरी का खर्चा होता है यहाँ पर। सबसे पहले हम दोस्तों टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, टेम्परेचर इस वक्त क्या है रूम का। रूम का टेम्परेचर इस वक्त 29 मतलब के 30 डिग्री है। फ़ोन का टेम्परेचर देख लेते हैं, फ़ोन का टेम्परेचर भी तकरीबन 30 डिग्री है यहाँ पर। और फ्रंट साइड का टेम्परेचर देख लेते हैं स्क्रीन का, 31 डिग्री। तो अब देखेंगे पबजी टेस्ट के बाद कैसी परफॉर्मेंस रहती है, कितना हीट होता है ये फ़ोन। यहाँ पर सेटिंग देख सकते हैं, HD सेटिंग्स में हाई में प्ले कर सकते हैं एंड स्मूथ में अल्ट्रा सेटिंग्स में प्ले कर सकते हैं। तो हम HD में हाई सेटिंग्स में प्ले करते हैं इस गेम को। यहाँ पर दोस्तों परफॉर्मेंस का मामला आप देख सकते हैं, अब तक तो काफ़ी ठीक ठाक है दोस्तों। तो आपको लाइव दिखाते हैं, यहाँ पर जूम का मामला भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, स्कोप वगैरह काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, परफॉर्मेंस अब तक अच्छी जा रही है, तो यहाँ पर अब तक बेस्ट है। Thank you.
पर दोस्तों पबजी टेस्ट हो गया है कंप्लीट। 25 मिनट और 13 सेकंड्स जो हैं वो पबजी हमने प्ले की है और यहाँ पर मामला जो है वो परफॉर्मेंस का तो ठीक रहा, वो आपको बाद में बताते हैं। टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, 32 डिग्री है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 32 डिग्री, फोकस फोकस, तो 32 डिग्री है दोस्तों इस वक्त टेम्परेचर, यहाँ आप देख सकते हैं। बैक साइड का स्क्रीन का टेम्परेचर देख लेते हैं, 32.5 अपसाइड से 36.3 है, डाउन साइड से 33.6 है। तो यहाँ पर दोस्तों हीटिंग का इशू इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है कमरे में। 30 डिग्री दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर, इस वजह से आपको इतना हाई फील नहीं होगा। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पर बैटरी का एक्सपीरियंस दिखा दें कि बैटरी का मामला यहाँ पर 24% है, 34% दोस्तों पहले रिमेनिंग थी बैटरी, 10% मतलब बैटरी का खर्चा हुआ है जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा है 25 मिनट में। तो मज़ीद खर्चा हो सकता है और ज़्यादा अगर हम मज़ीद गेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों परफॉर्मेंस का मामला ओवरऑल अब तक तो ठीक रहा है, HD में हाई सेटिंग्स में हमने ब्राइटनेस भी फुल की थी, उस हिसाब से बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम हुई 5000 mAh की बैटरी के हिसाब से। ओवरऑल अगर आप पबजी के लिए सिर्फ ये फ़ोन लेना चाहते हैं, बहुत से ऑप्शंस हैं दोस्तों, सिर्फ 8GB 128GB की वजह से 40,000 इस फ़ोन पर आप ना लगाएं। 30,000 की प्राइस में अगर ये फ़ोन आपको मिल जाता है फिर आप बाय कर सकते हैं। ओवरऑल 20,000 की प्राइस में टेक्नो स्पार्क 7 प्रो बाय कर सकते हैं, टेक्नो कैमन 17 बाय कर सकते हैं, 23,000 की प्राइस में 6GB 128GB के साथ, G85 के साथ, और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। तो इस फ़ोन पर आप पैसे ज़ाया मत कीजिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ही रही। तो आपको कैसा लगा ये फ़ोन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।